नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ में बीजेपी नेता और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे द्वारा एक लड़की से की गई छेड़छाड़ी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। यह घटना उस वक्त की है जब पीड़ित युवती देर रात करीब 12:35 पर सेक्टर 9 से पंचकुला की तरफ जा रही थी। आरोप है कि टाटा सफारी में मौजूद दो युवकों ने सेक्टर 26 के मार्केट एरिया से पीछा करना शुरू किया। लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कई बार उसकी कार को रोकने की कोशिश की और दूसरे किसी रास्ते पर जाने को मजबूर किया। घटना के वक्त विकास बराला के साथ उसका दोस्त आशीष कुमार भी मौजूद था। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास और उसके दोस्त के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विकास को जमानत मिल गई। इस बारे में पुलिस उपाध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354D के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि बाद में उनके खिलाफ IPC की धारा 341 भी लगा दी गई। पीड़ित लड़की एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की बेटी बताई जा रही है। उसने अपनी आप बीती फेसबुक पर अपलोड की थी। लड़की का वह मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में लड़की खुद आगे बढ़कर सामने आई है। लड़की का कहना है कि मैं चेहरा क्यों छुपाऊं? वो छुपाएं जिन्होंने ये हरकत की है। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि बेटी रात में निकलने से पहले ना सोचें बल्कि बेटा सोचे, अब सवाल मोदी जी पर ही उठता है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे ने यह हरकत की है। क्या अब मोदी जी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या मोदी जी राखी के दिन बेटी की कोई गुहार सुनेंगे और बेटी को इंसाफ दिलाएंगे?